तो आज सीन कुछ ऐसा है कि मेरे सोचा है कि शाम को इंशाल्लाह अगर टाइम मिला रेहान के लिए मैंने साइकिल लेने का सोचा, तो साइकिल मैंने जो है वो परचेज कर ली है। तो ये वाली साइकिल मैंने परचेज की है रेहान के लिए। रेहान चला रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चलाने की कोशिश कर रहा है। ओह वेरी गुड, हां चलाओ थोड़ा सा पेडल मारो। वेरी गुड, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज मंडे का दिन है, एक और नया दिन है और एक और नए ब्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में जो है वो हाजिर हो चुका हूँ। इंशाल्लाह आज के दिन भी जो है वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें और नई नई चीज़ें होंगी आपके साथ आज के ब्लॉग में शेयर करने के लिए। और अभी अभी जो है वो मैं ऑफिस पहुँचा हूँ और आपको पता है कि ऑफिस आके जो है वो ऑफिस का काम मेरी प्रायोरिटी होती है कि जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, उसके बाद फिर शाम को जल्दी जाके दूसरी एक्टिविटीज़ की जाएँ ताकि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं शेयर कर सकूँ अपने ब्लॉग के अंदर। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे मेरा ब्लॉग जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मुझे दिखाएंगे इंशाल्लाह। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली दफ़ा आए तो मेरे इस तरह के अमेजिंग ब्लॉग्स देखने के लिए मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज सीन कुछ ऐसा है कि मैंने सोचा है कि शाम को इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो मैं जल्दी जाऊंगा क्योंकि मैंने मार्केट जाना है थोड़ा सा सामान लेने के लिए। रेहान के लिए मैंने साइकिल लेने का सोचा है लेकिन कल मैं मॉल गया था साइकिल देखने के लिए, वहाँ बहुत ज़्यादा महंगी थी। तो आज मैं जाऊँगा मार्केट सदर, वहाँ पे जो है वो मैंने सुना है कि थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस में होती है, अच्छे प्राइस में होती है। अगर मुझे कुछ समझ आई तो वो ले लूँगा, अगर नहीं समझ आई तो फिर मैंने सोचा है कि मैं अपनी जो है रिमेनिंग जो मेरी शॉपिंग रह गई थी वीकेंड पे वो मैं कंप्लीट करूँगा जाके, क्योंकि उस दिन रेहान बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, उसने साइकिल देख ली थी मॉल में तो वो बहुत ज़्यादा पागल हो गया था, उसने कोई और शॉपिंग करनी नहीं दी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो रोना धोना डाल दिया था, इस वजह से मैं बाकी चीज़ें नहीं ले सका था। तो उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह आज जल्दी फारिग हो जाएंगे और शाम को जो है वो जल्दी घर जाएंगे और अपना ये सारा जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो आज कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा इस तरह के अमेजिंग क्लिप्स के लिए। तो अभी दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि आपको पता है कि मैं जो है वो सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि वर्किंग डे में आके अगर सुबह मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम हो तो मैं अपना ब्लॉग एडिट कर लूँ, लेकिन जो मेरा लास्ट ब्लॉग था वो मैंने रात को लेट नाइट बैठ के एडिट कर लिया था, एक्सपोर्ट भी कर लिया था। अभी सिर्फ उसको जो है वो थंबनेल बनाना रह गया है और उसके बाद उसको अपलोडिंग करनी है। तो वो तो खैर इतना ज़्यादा देर का काम नहीं है, मुश्किल से वो 15-20 मिनट का काम है। तो वो काम अभी थोड़ा सा फ्री टाइम है तो मैं अभी कर लेता हूँ क्योंकि अभी बाकी कोई आया नहीं है। तो बाकी जैसे जब लोग आ जाएंगे दूसरे काम स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर उसको साइड पर करना पड़ेगा। और फिर घर जाके आपको पता है कि आजकल लाइटों ने बड़ा तंग किया हुआ है, लाइटों का शेड्यूल जो है वो चेंज हुआ है। पहले जो है हमारी जाती थी रात को 4 बजे से 7 बजे तक की जो है वो लोड शेडिंग, अब जाने लगी है। इससे पहले हमारे 4 से 7 जाती थी और फिर रात को 9:30 से 11 जाती थी, लेकिन अब जो है वो क्योंकि टाइमिंग चेंज हो गई है तो घर जाके जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता लाइट की वजह से। तो इसलिए जो है वो मैंने काम जो है वो लेट नाइट बैठ के ख़त्म कर लिया था। आज मुनीम तयामी लेकर आए हैं लंच में चिकन कढ़ाई और ये इमरान भाई को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। तो इस वक्त लंच टाइम चल रहा है और ये रोटी के साथ हम खा रहे हैं सालन। सादिक भाई, बासित, त्यामी डंगर और ये दानियाल, हम लोग चार आए हैं लंच टाइम में ईरानी पे। ये कढ़ाई जो है मुनीम त्यामी अपने घर से लेकर आया। मैं इमरान भाई को बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं इमरान भाई को बहुत मिस कर रहा हूँ कढ़ाई के ऊपर। हाँ, इमरान भाई की फेवरेट कढ़ाई है, इमरान भाई जो है वो इंडोनेशिया के। कैसी है कढ़ाई? तो दोस्तों फिलहाल मैं जा रहा हूँ वापस घर और अब जाते हुए रास्ते में देखता हूँ साइकिल्स वगैरह, अगर तो मुझे समझ आती है तो ठीक है, वरना फिर घर पे सामान रख के जाएंगे मॉल अपनी कंप्लीट शॉपिंग करने। तो अब चलते हैं फटाफट देखने हैं साइकिल्स। तो साइकिल मैंने जो है वो परचेज कर ली है, यहाँ मैं कैश निकालने के लिए आया था तो अब कैश निकाल के मैं वापस जा रहा हूँ शॉप पे और वहाँ से जाके जो है वो फिर मैं पेमेंट करके साइकिल ले लेता हूँ। मैं आपको साइकिल भी दिखा देता हूँ मैंने कौन सी ली है। तो बस अब कैश निकालना है मेरे सामने, वो कैश निकाल लिया मैं सामने जा रहा हूँ शॉप पे। तो ये वाली साइकिल मैंने परचेज़ की है रेहान के लिए 6500 में और उम्मीद कर रहा हूँ कि उसको पसंद आएगी। और वहाँ पे जो मैंने देखी थी मॉल के अंदर वो 12-13 हज़ार रुपये में यही साइकिल मिल रही थी, लेकिन यहाँ मुझे रीज़नेबल रेट पे मिल गई तो मैंने यहाँ से परचेज़ कर ली है। तो ये साइकिल मैंने ले ली है, अब इसको जो है वो भाई आ रहा है इसको पीछे मोटरसाइकिल पे बांध देगा और फिर इसको लेके चलते हैं घर। उम्मीद है कि रेहान को ये पसंद आएगी बहुत ज़्यादा। जी तो दोस्तों घर आ चुका हूँ और साइकिल रेहान को दे दी है, अब वो जो है वो बाहर चला रहा है, मैं ज़रा चेंज वेंज कर दूँ उसके बाद जाके उसको सीट वगैरह एडजस्ट करके देता हूँ ताकि वो आराम से चला ले। तो बस अब मैं जो है वो चेंज वेंज करके मुआ दूँ, पहले चूज़ों को दाना पानी डालूँ, उसके बाद फिर रेहान की साइकिल को देखते हैं उसकी सीट वगैरह एडजस्ट कर। तो ये अभी हमाद चला रहा है
इब्राहिम को बिठा के। और ये रियान, रियान कैसी है साइकिल, कैसी है साइकिल रियान, कैसी है, अच्छी है, हैं? कितने मजे से बच्चे अभी साइकिल चला रहे हैं। अभी इनको सीट वगैरह एडजस्ट करके देता हूँ उसके बाद, ताकि ये आराम से चला ले। तो रियान जो है वो साइकिल चला रहा है और उसको माशाल्लाह साइकिल बड़ी। ये देखें कितना एंजॉय कर रहे हैं दोनों बच्चे। अभी इसके पाँव नहीं पहुँच रहे रियान के ना, तो अभी इसको हेल्प आउट कर रहे हैं थोड़ा सा चलाने में ना। ये देखें अभी इब्राहिम को बिठा के जो है वो पीछे धक्का दे रहा है। इसी तरह जो है वो चलाना सीखते हैं बच्चे। अभी थोड़े से पांव भी उसके नहीं पहुंच रहे नीचे तक, तो पैडल तक सही पैडल मार नहीं पा रहा। थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके उसको बता रहे हैं कि किस तरीके से पैडल मारना होता है, किस तरह साइकिल चलानी होती है, ताकि वो जो है ना सही तरीके से चलाए। और जो है वो माशाल्लाह अच्छी जल्दी चीज़ें पिक करता है, जल्दी सीख जाता है। तो उम्मीद है कि ये जल्दी सीख जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा साइकिल चलाना सीखने में। वीकेंड वगैरह में ना इसको पार्क वगैरह में लेके जाएंगे, वहाँ थोड़ा सा चलाएंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह और जल्दी ज़रा पैडल मारेगा ना साइकिल जब चलेगी सही, तो और जल्दी सीख जाएगा। अभी ज़रा घर में वो मार्बल लगा हुआ है जिसकी वजह से वो सही चला नहीं पा रहा, थोड़ा सा जो टायर है ना थोड़ा जान लगा के वो चलाना पड़ रहा है। लेकिन जब पार्क में रोड पे चलाएगा तो जो है वो सही तरीके से चला पाएगा। इनको मैंने फ़िलहाल जो है वो दाना पानी डाल दिया है। अभी इनकी दो प्यालियाँ खाली पड़ी हैं, इसके अंदर अभी थोड़ी देर में कुछ चावल वगैरह जो भी घर में पका होगा उस हिसाब से मैं डाल दूँगा। फिलहाल अभी मैंने इनका पानी चेंज कर दिया है, दाना वाना डाल दिया है, जिसकी वजह से जो है ये थोड़ा सा दाना वाना खा लेंगे, उसके बाद फिर रात के टाइम इनको थोड़ा सा कुछ डाल देंगे। तो ये इब्राहिम को पीछे बिठा के अब चलाने की कोशिश कर रहा है, ये चला रहा है आहिस्ता आहिस्ता चलाने की कोशिश कर रहा है। ये देखें आओ शाबाश, वेरी गुड ध्यान, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। कैसी है साइकिल, कैसी है साइकिल, अच्छी साइकिल है ना, सिखा देगा रियान। अभी इसको जो है वो रियान को शूज पहनाए ताकि ये पैडल मार ले आराम से, उसे पैडल मारा नहीं जा रहा था। तो अब जो है, अब जो है इससे पैडल सही लगेगा। हाँ शूज पहन के जो है वो थोड़ा सा इससे जान लगाई जा रही है। ये पीछे रो रहा है ताकि कह रहा है मुझे भी बिठाओ, बेबी धक्का लगाओ, शाबाश, वेरी गुड, धक्का मारो भाई को, वेरी गुड, वेरी गुड, आ जाओ वापस आ जाओ। रेड पैडल पे पाँव रखे, थोड़ा सा आओ सीधा, आओ सीधा, शाबाश शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ थोड़ा, वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ वेरी गुड, हाँ चलाओ थोड़ा सा पैडल मारो, वेरी गुड, कैसा है, मजेदार, ये बास्केट भी है इसके अंदर, इसका हॉर्न भी बजता है, ये देखो ऐसे बजाओ, वेरी गुड। रियान कैसी है साइकिल, बैठो साइकिल पे, बैठो, कैसी है, मजा आ रहा है, बैठो शाबाश, वेरी गुड, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, हाँ चलाओ चलाओ शाबाश, सब चलाओ, चलो थोड़ा सा आगे चलो चलो, कोशिश करो कोशिश करो, वेरी गुड, चलाओ, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, पैडल मारो थोड़ा सा, पैडल मारो मारो रियान, पैडल मारो, चलाओ चलाओ ना। अभी जो है वो इससे साइकिल चलाई नहीं जा रही, तो इसको जो है साथ धक्का लगवा के चलाना पड़ेगा इस तरीके से जो है ना। अभी इसको कभी पीछे धक्का लगाना पड़ रहा है, कभी इसको आगे धक्का लगाना पड़ रहा है, तो इस तरीके से जो है ना अभी चला रहा है। इसके अलावा इससे जो है ना अभी चलाई नहीं जा रही साइकिल, ये देख रहे हैं इस तरीके से इससे चलवानी पड़ रही है। ये देख सीधा करो हैंडल, सीधा करो हैंडल, सीधा करो ऐसे करो, शाबाश चलो, हाँ हैंडल सीधा करो, इसको अभी मैं धक्का दे रहा हूँ तो ये चला रहा है, चलो हैंडल सीधा करो, चलो 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 चलो,
हाँ चलाओ चलाओ चलो शाबाश ये चलाओ बस। ये चूजे भी जो है वो परेशान हो रहे हैं शोर से ना, चला लो ना आप। ये इब्राहिम जो है वो यहाँ किचन में फिलहाल बैठा हुआ है, ये खाना पक रहा है अभी, दाल चावल। दाल बन चुकी है, चावल जो है वो पक रहे हैं। ये रहे इब्राहिम बैठा हुआ एंजॉय कर रहा है। आ रहा हूँ ये कह रहे चलाओ चलाओ चलो 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 हाँ चलो 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 शाबाश। जी तो दोस्तों खाना पीना जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब जो है लाइट अभी तक आई नहीं है, 10 बजे आती है, तो जब तक लाइट नहीं आती मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर नीचे बच्चों को लेके बैठ जाते हैं बाहर घर के बाहर। ये चाय भी आ गई है तो चाय भी लेके चलेंगे साथ ही। ये नीचे आके भी कह रहे हैं मुझे बॉल लगा के दे दे। वो इब्राहिम वहाँ पे खेल रहा है आराम से, यही सेंग के मुझे एक बॉल लगा के दो, बॉल वाला गेम लगा दो वीडियो गेम मोबाइल के अंदर। यहाँ नीचे आयो ना, बाहर खेलो वहाँ पे सामने। बॉल क्यों लगा रहे हो, यहाँ खेलो ना नीचे, खेलो खेल लो ना नीचे। वो देखो डॉगी आ गया, उठो खड़े हो जाओ आ जाओ इधर आ जाओ। वो देखो डॉगी आएगी कपड़े साफ करने पीछे से। ये अभी बच्चे दोनों रो रहे थे तो इनको मैं जो है वो कोल्ड ड्रिंक दिला के लाएंगे। देखें इसने अपनी सारी शर्ट जो है ना वो गीली कर ली है कोल्ड ड्रिंक से इब्राहिम ने। देखें पूरी माशाल्लाह पी ली, लेकिन सारे कपड़ों पे ये देखें सारा पजामा सारा ट्राउज़र सब गीला हो रहा है, शर्ट भी सारी गीली हो रही है। ये देखें रेहान साइकिल चला रहा है अभी भी, ये भी अभी फैला हुआ था, इसको भी कोल्ड ड्रिंक दिलाई, इसने भी कोल्ड ड्रिंक पी अभी अभी, ये साइकिल की ट्रेनिंग ले रहा है। ये अभी कुछ दिन लगेंगे इसको साइकिल सीखने में, अभी इसके पाँव भी नहीं पहुँच रहे सही, तो अभी ज़रा थोड़े से दिन लगेंगे इसको सीखने में। तो ये इब्राहिम जो है वो अभी चीज़ लेकर आया है, अभी इसने आइसक्रीम खाई है, वो देखें वहाँ कप भी पड़ा हुआ है, तो अभी कह रहा है कि मुझे ये चीज़ खोल के दो, तो मैं इसको खोल के दे दूँ। तो ये कैटीचिन लाया है, ये मैंने इसको खोल के दे दी, तो अब ये खा रहा है और इसको माशाल्लाह कैटीचिन बहुत पसंद है। तो बाकी चीज़ ये देखें इसने यहीं नीचे फेंक दिए, तो ये भाग गया बाहर चीज़ ले कर अपनी। चीज़ लेने के बाद तो बच्चे आपको बिल्कुल भी नहीं पहचानते कि कौन हो कैसे हो, बाप हो हमारे भाई हो कोई हो कौन हो, कोई बच्चा नहीं पहचानता। कहते हैं बस हमारी चीज़ दो, खोल के देखा, जब तक खोली नहीं थी तो कैसे यहीं खड़ा होता कि खोल के दो, जैसे खोल के दी वैसे भाग गया। ये रेहान भी आ गया चीज़ लेने के लिए। वो रही चीज़ आपकी, हाँ देख रहे हैं भाई, इसको कह रहे हैं मुझे मेरी चीज़ खोल के दो। अब इसको भी खोल के दूंगा, ये भी भाग जाएगा। तो ये लाया है पॉप स्टार, ये मैंने इसको खोल के दे दी, और अब ये भी देखें चला गया। वो इब्राहिम साहब भी पीछे पीछे आ रहे हैं, इन्होंने आइसक्रीम खाई है तो इनका मुँह हाथ धुलाया सारा, इनका मुँह गंदा हो रहा था। मुझे भी दे दें, थैंक यू, दूसरा देना, ये आप खा लें, दूसरा दे दें, देता नहीं है वैसे, थैंक यू ले लें। गिग्गिया कहाँ गया, नीचे गिग गया, चलो कोई बात नहीं, ये लो कैसे है बेबी, आप भी खा लें, कैसे है यम भी है, कोई बात नहीं उठा लें, क्या कह रहे हो, ये खा लूं, यम भी है, कैसे है, अब आप भी करो, बिक गया क्या हुआ, भाई को भी खिला। तो ये बच्चे अभी गए थे तो ये मेरे लिए लेज लेकर आए हैं, वेवी फ्लेमिंग हॉट फ्लेवर है, ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है, ये फ्लेवर बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, मिलता नहीं है। तो अभी रेहान भी यहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक इंजॉय कर रहा है, इसने थोड़ी सी बचा के रखी हुई थी अपने लिए। रेहान क्या पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रही है, कैसी है कोल्ड ड्रिंक, यम्मी है, यम्मी कोल्ड ड्रिंक है। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, रात के जो है वो तकरीबन 1:45 का टाइम हो गया है, बच्चे वगैरह भी सो गए हैं। तो देखें यहाँ पे इब्राहिम भी सो गया है और सामने रेहान भी सो गया है, टाइम देखें तकरीबन 1:45 का टाइम हो चुका है।
तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, चैनल भी पहली दफा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस तरह के अमेजिंग ब्लॉग्स देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।